A very good evening to all of you students. आज हम लोग units and measurement topic को आगे बढ़ाएंगे. Units and measurement topic जो है हमारा उसे हम लोग आज proceed करेंगे. Units and measurement. Okay. तो last class में बच्चों हम लोगों ने discussion किया था कि units क्या होते हैं, है ना, और यूनिट्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए. जैसे कि हम लोगों ने डिस्कशन किया था बच्चों कि यूनिट्स जो है वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल होना चाहिए. हमारा यूनिट ऐसा हो जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो सके और रिप्रोड्यूसिबल हो, है ना, और उसमें कोई एम्बिग्यूटी ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो. ठीक है, इस तरीके का अगर कोई यूनिट है तो उसे हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं इंटरनेशनली. ठीक है, उसे हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं इंटरनेशनल. आज हम लोग बात करेंगे बच्चों थोड़ा फिजिकल क्वांटिटी के बारे में. ठीक है, हालांकि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है वो हम लोग पहले भी डिस्कशन किए हैं. ठीक है, आज फिर से थोड़ा सा डिस्कशन होगा फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, है ना. दैट इज एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड is called a physical quantity, है ना, उसी को हम लोग एक physical quantity कहते हैं. ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, physical quantity कहते हैं. Okay. अच्छा, physical quantity को measure अगर करेंगे तो उसे express भी करना पड़ेगा. ये सुनो, अगर हम लोग physical quantity को मेजर करते हैं तो उसे एक्सप्रेस भी करना पड़ेगा. एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड अ फिजिकल क्वांटिटी, है ना. अच्छा, अगर हम लोग किसी चीज को मेजर करते हैं तो फिर उसे एक्सप्रेस भी करना पड़ेगा उस मेजरमेंट को, है ना. तो हाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्रेस आवर मेजरमेंट. ठीक है, एक्सप्रेसिंग ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, एक फिजिकल क्वांटिटी को कैसे एक्सप्रेस करेंगे. ठीक है, एक्सप्रेसिंग ए फिजिकल क्वांटिटी कंसिस्ट ऑफ बच्चों न्यूमेरिकल वैल्यू एंड ए यूनिट. ओके, दो चीज होता है, कम से कम ये दो चीज होना चाहिए. ठीक है, कम से कम एक न्यूमेरिकल वैल्यू होना चाहिए और उसके साथ एक यूनिट होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, मास एक फिजिकल क्वांटिटी है. मास इज ए फिजिकल क्वांटिटी. ओके, मास इज ए फिजिकल क्वांटिटी एंड हाउ वी एक्सप्रेस इट. सपोज कर लो एक मास है 5 kg का, तो हम लोग उसे क्या लिखते हैं, 5 kg, वेर 5 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड kg इज द यूनिट, है ना, kg इज द यूनिट. उसी तरीके से अगर हमें टाइम इज ऑल्सो ए फिजिकल क्वांटिटी, टाइम इज ऑल्सो ए फिजिकल क्वांटिटी. ओके, फिजिकल क्वांटिटी, तो टाइम को हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं. जैसे सपोज हम तुमसे पूछेंगे कि तुम्हारा जो स्कूल होता है उसमें एक पीरियड कितने समय का होता है, तुम सपोज बोलोगे सर 50 minutes, है ना. तो तुम क्या बोल रहे हो, एक न्यूमेरिकल वैल्यू बताए और साथ में एक यूनिट बताए, है ना. तो हम लोग जब भी एक फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं बच्चों तो कम से कम उसमें दो चीज होना चाहिए. ठीक है, दैट इज ए न्यूमेरिकल वैल्यू शुड बी देयर एंड ए यूनिट शुड बी देयर ओके. अच्छा, अब उसके बाद एक चीज और कि जब हम लोग किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, अभी जो बताया उसे नोट डाउन कर लोगे, है ना, हम मिटा रहे हैं यहाँ पर थोड़ा. तो यहाँ देखो, जब भी हम लोग किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है और एक यूनिट होता है. ठीक है, अच्छा, सपोज कर लो हम बोलेंगे बच्चों, सपोज हम बोलते हैं द लेंथ ऑफ एन आयरन रॉड is 10 meter.
है ना, एक आयरन रॉड है जिसका लेंथ कितना है 10 मीटर, तो ये हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू और मीटर हो गया यूनिट। क्या हम 10 मीटर को ऐसे नहीं लिख सकते, दैट इज 1000 सेंटीमीटर, लिख सकते हैं ना, हमने बस यूनिट को चेंज कर दिया, हमने पहले यूनिट मीटर लिया था, बाद में यूनिट सेंटीमीटर लिया, तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो गया, है ना, यूनिट चेंज किया तो न्यूमेरिकल वैल्यू देखो चेंज हो गया। जब मीटर यूनिट ले रहे थे तो लेंथ हो रहा था 10 मीटर, जब सेंटीमीटर हम लोग यूनिट लिए जो कि एक छोटा यूनिट है तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ गया, है ना। बट इन दोनों का मतलब तो सेम ही है, है ना, इन दोनों का मतलब तो सेम ही है, है ना, 10 मीटर जितना बड़ा 1000 सेंटीमीटर भी उतना ही बड़ा है, है ना, बस हम लोग अलग अलग यूनिट्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं, एक बार मीटर में एक बार सेंटीमीटर में। सपोज इस 10 को हम बोलते हैं N1, दैट इज न्यूमेरिकल वैल्यू 1, एंड मीटर को बोलते हैं यूनिट नंबर 1, ओके U1, और इट इज इक्वल टू 1000 को बोलते हैं N2 एंड सेंटीमीटर को बोलते हैं U2, है ना। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को तुम किसी भी यूनिट में एक्सप्रेस करो, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होता जाएगा लेकिन रिजल्ट सेम रहेगा, है ना। एक गिवन फिजिकल क्वांटिटी को अलग अलग यूनिट्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है बच्चों, है ना, जब हम लोग अलग अलग यूनिट्स में एक्सप्रेस करेंगे तो डेफिनेटली जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो चेंज होगा, क्योंकि यूनिट का साइज चेंज हो रहा है, मीटर एक बड़ा साइज है इसी के लिए 10 मीटर में ही काम बन जा रहा है, सेंटीमीटर छोटा है इसी के लिए 1000 सेंटीमीटर जो है वो 10 मीटर के बराबर हो रहा है ना। तो ये एक चीज है, है ना। तो हम लोगों को यहाँ पर ये चीज पता चला, दैट इज न्यूमेरिकल वैल्यू जो है, न्यूमेरिकल वैल्यू is inversely proportional to size of unit. Size of unit. अगर unit छोटा लोगे, जैसे सेंटीमीटर छोटा था तो numerical value ज्यादा आया, वहां पे 1000 आ रहा है, और अगर unit बड़ा लोगे जैसे कि मीटर तो numerical value छोटा आ जाएगा। तो numerical value और unit के size के बीच का relation ये है बच्चों, ठीक है, that is numerical value is inversely proportional to the size of unit. है ना, numerical value is inversely proportional to the size of unit. Okay? इतना समझ में आया? Okay. अब उसके बाद physical quantity के बारे में और कुछ बातें करते हैं, ठीक है? Physical quantities. Physical quantities are of two types. Physical quantities are of two types. And what are they? ओके, एक है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ओके, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और दूसरा है बच्चों डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ओके। अब दोनों का डेफिनेशन देखते हैं, व्हाट इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। नाउ दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच डज नॉट डिपेंड अपॉन any other fundamental quantity. are called fundamental physical quantities. Okay. कोई ऐसा क्वांटिटी बच्चों जो दूसरे फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है, उसे हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल टाइम एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। टाइम किसी पे डिपेंड नहीं करता बच्चों, चाहे
सूरज निकले या ना निकले समय चलता रहेगा, तुम उठो ना उठो समय चलता रहेगा, स्कूल खुले ना खुले समय चलता रहेगा। टाइम किसी पे भी डिपेंड नहीं करता। तो टाइम एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम एक फंडामेंटल क्वांटिटी है ना। अच्छा, अगर टाइम एक फंडामेंटल क्वांटिटी है तो इसको मेजर करने के लिए, इसको मेजर करने के लिए जो यूनिट हम लोग यूज करेंगे, इसको मेजर करने के लिए जो यूनिट हम लोग यूज करेंगे बच्चों, उसे कहेंगे क्या? उसे कहेंगे फंडामेंटल यूनिट। ओके, फंडामेंटल यूनिट है ना। टाइम एक फंडामेंटल क्वांटिटी और उसको मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज किया जाएगा उसे फंडामेंटल यूनिट कहा जाएगा। उसे क्या कहा जाएगा? फंडामेंटल यूनिट। जैसे टाइम किसी पे डिपेंड नहीं करता बच्चों, वैसे ही और भी क्वांटिटीज हैं, जैसे कि मास हो गया, लेंथ हो गया, टेम्परेचर हो गया, करंट हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया, ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गया, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है ना। ये कुछ ऐसे क्वांटिटीज हैं जो किसी पे डिपेंड नहीं करते है ना, ये कुछ ऐसे क्वांटिटीज हैं जो किसी पे डिपेंड नहीं करते, ठीक है। तो इनको एक्सप्रेस करने के लिए जो यूनिट हम लोग यूज करेंगे उसे फंडामेंटल यूनिट कहेंगे, है ना। तो जितने प्रकार के फंडामेंटल क्वांटिटीज होंगे उतने प्रकार के फंडामेंटल यूनिट्स भी होंगे, उतने प्रकार के फंडामेंटल यूनिट्स भी होंगे, है ना। तो मास, लेंथ, टाइम, ओके, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ओके, ये सब फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं और इन्हें मेजर करने के लिए जो यूनिट हम लोग यूज करेंगे उन्हें फंडामेंटल यूनिट कहेंगे। जैसे मास को मेजर करने के लिए हम लोग किलोग्राम यूज करेंगे, किलोग्राम इज द फंडामेंटल, इज ए फंडामेंटल यूनिट। लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर यूज करेंगे, टाइम को मेजर करने के लिए सेकेंड यूज करेंगे, फंडामेंटल यूनिट है ना। ये सब फंडामेंटल यूनिट्स हैं और फंडामेंटल्स के साथ साथ स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स भी हैं, है ना। ओके, टेम्परेचर किस में मेजर करेंगे? केल्विन में। ओके, करंट किस में मेजर करेंगे? एम्पियर में। ओके, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किस में मेजर करेंगे? मोल में। ल्यूमिनस इंटेंसिटी किस में मेजर करेंगे? कैंडेला में, है ना। तो सेवन फंडामेंटल यूनिट्स हैं, सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज और उनके सेवन फंडामेंटल यूनिट्स, है ना। अच्छा, दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी होते हैं बच्चों, देयर आर टू फंडामेंटल सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ओके, फंडामेंटल सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ओके, देयर आर टू फंडामेंटल सप्लीमेंट्री यूनिट्स। एक है रेडियन, ठीक है, यूनिट्स बता रहे हैं रेडियन। ओके, ये किसका यूनिट है? ना तुम्हारा सॉलिड एंगल का। ओके, सॉरी, एंगल का। रेडियन किसका यूनिट है? ना एंगल का। ओके, और उसके बाद दूसरा है स्टेरेडियन, ये किसका यूनिट है? सॉलिड एंगल का, ठीक है। दीज आर टू फंडामेंटल सप्लीमेंटरी यूनिट्स। ओके, ये सब इन्हीं को बनाया गया है फंडामेंटल क्वांटिटीज और इन्हीं को फंडामेंटल यूनिट्स बनाया गया है बच्चों। और ये सब काम कौन करता है? ना एक डिपार्टमेंट है, ओके, ठीक है, एक डिपार्टमेंट है जिसे हम लोग कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। ओके, सेवरेस नाम का एक जगह है बच्चों पेरिस के पास, ठीक है, सेवरेस
नाम का एक जगह है पेरिस के पास, नियर पेरिस, यहां उसका हेडक्वार्टर है. ओके ओके दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ वेट्स एंड मेजर्स. ये लोग बोले कि हम लोग इतने चीजों को फंडामेंटल क्वांटिटी मानेंगे और इन दोनों को फंडामेंटल सप्लीमेंटरी क्वांटिटीज मानेंगे और उनके यूनिट्स ये होंगे. ठीक है, अब इंटरनेशनली इनको एक्नॉलेज किया गया, इंटरनेशनली इनको रिकॉग्नाइज किया गया, है ना. तो फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है पहले वो समझ गए कि वो फिजिकल क्वांटिटीज जो किसी पर डिपेंड नहीं करते उन्हें हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं, और इनको मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज करेंगे उन्हें फंडामेंटल यूनिट कहा जाएगा, है ना. ओके, अब उसके बाद बात करेंगे बच्चों डिराइव्ड क्वांटिटीज, है ना, ये क्या होते हैं. ठीक है, डिराइव्ड क्वांटिटीज. ओके, डिराइव्ड क्वांटिटीज मतलब जो किसी फंडामेंटल क्वांटिटी को यूज करके निकाला गया हो, है ना, उसे डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं. ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी. ओके, तो यहां देखो डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है ना, दोज फिजिकल क्वांटिटीज, दोज फिजिकल क्वांटिटीज, ओके, विच डिपेंड्स ऑन, विच डिपेंड्स ऑन, विच डिपेंड्स ऑन, वी कैन से वन और मोर अदर फंडामेंटल क्वांटिटीज, वन और मोर अदर फंडामेंटल क्वांटिटीज. ओके, जो एक या एक से अधिक दूसरे फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करते हैं, विच डिपेंड्स ऑन वन और मोर अदर फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज, आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज. उसी तरीके से क्वांटिटीज को हटा दो, यूनिट्स लिख दो, दोज फिजिकल यूनिट्स विच डिपेंड ऑन वन और मोर अदर फंडामेंटल यूनिट्स आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स, है ना, आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स. ओके, तो इस तरीके से बच्चों डिराइव्ड तो ढेर सारे हैं, है ना, फंडामेंटल में तो 7 और 2 9 हम लोग बता दिए, 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, 2 सप्लीमेंटरी फंडामेंटल यूनिट्स हैं. डिराइव्ड में कितना बोलोगे, वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस बाय टाइम. देखो डिस्टेंस मतलब लेंथ, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम. अब हम लोगों को पता है लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी 2 फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है और उसका यूनिट क्या हो जाता है, मीटर पर सेकंड. तो मीटर पर सेकंड इज अ डिराइव्ड यूनिट, यस और नो, वेलोसिटी इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी एंड मीटर पर सेकंड इज अ डिराइव्ड यूनिट. उसी तरीके से एक वाला देख लो, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है बच्चों, दैट इज 1 बाय टाइम पीरियड, है ना, 1 बाय टाइम पीरियड. ओके, 1 बाय टाइम पीरियड दैट इज 1 बाय टी. अच्छा, 1 बाय टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड, तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होगा, सेकंड इनवर्स, है ना. तो फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो ए डिराइव्ड क्वांटिटी, है ना, वो टाइम पीरियड, टाइम पे डिपेंड करता है, वो किस पे डिपेंड करता है, टाइम पे डिपेंड करता है. ओके, तो अपने नेक्स्ट वीडियो में बच्चों जो अभी हम मतलब एक साथ भेजेंगे उसमें आप लोग हर एक फंडामेंटल यूनिट्स का डिराइवेशन देखोगे, है ना, मतलब उनका एक्सप्लेनेशन देखोगे कि किस तरीके से उनको डिफाइन किया गया है, जैसे मीटर का मतलब क्या होता है, किलोग्राम का मतलब क्या होता है, है ना, इन सारे चीजों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन किया गया है. तो दोनों वीडियोस को अच्छे से देख लें, ठीक है, ताकि कोई डाउट ना रहे. ठीक है, तो फिलहाल इतना ही बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड हैव ए नाइस डे.